आपके ख्याल में किसी खुशबाश शादीशुदा जोड़े के कामयाब ताल्लुक के पीछे क्या राज छुपा होता है? ये राज आपकी जबान में छुपा हुआ है। ये कहने की जरूरत नहीं कि एक दूसरे से खुश जोड़ों में भी लड़ाई हो जाती है, मगर इसे ज्यादा बड़ा बनाने से रोकने का इन्हिसार आपकी जुबान पर होता है। जी हाँ, वाकई अगर आप शरीक हयात से तुंदो तेज बहस कर रहे हैं तो महज 5 सेकंड की खामोशी या वक्फा इसे मजीद बढ़ने से रोक सकता है। ये बात एक नई तहकीक में सामने आई है। स्कॉटलैंड की सेंट एंड्रयूज यूनिवर्सिटी की इस तहकीक में बताया गया है कि झगड़े के दौरान कुछ देर की खामोशी या वक्फा आग बुझाने का काम करता है, जिससे लड़ाई मजीद बढ़ती नहीं। तहकीक के मुताबिक महज 5 सेकंड की खामोशी तवील वक्फा जितनी मौसर साबित होती है। मुहक्किकीन ने बताया कि ये पहली बार है जब तजर्बात से साबित हुआ कि लड़ाई के दौरान चंद सेकंड का वक्फा इसे रोकने में मदद फराहम करता है। उन्होंने कहा कि नताइज से साबित होता है कि चंद सेकंड की खामोशी भी मियां बीवी के झगड़ों को रोक सकती है और उनका बाहमी ताल्लुक भी मुतासिर नहीं होता। उनका कहना था कि ये एक सादा, मुफ्त और मौसर तरीका है जिससे झगड़े के दौरान मनफी जज्बात को कम किया जा सकता है और इसे आसानी से रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाया जा सकता है। इस तहकीक के लिए मुतातिद जोड़ों को एक ऐसी गेम का हिस्सा बनाया गया जिसके दौरान एक फर्द की जानिब से नाखुशगवार आवाज शरीके हयात को सुनाई जाती है। जोड़ों को इस गेम के 30 राउंड में शामिल किया गया और मुख्तलिफ मौकों पर वक्फे की हिदायत की गई। एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजीज को जज्बाती रद्दमल के तजिए के लिए इस्तेमाल किया गया। नताइज से मालूम हुआ कि वैसे तो जोड़ों के दरमियान तुंदो तेज बहस शिद्दत इख्तियार कर जाती है, मगर मुख्तसर वक्फे से हालात काफी हद तक मामूल पर आ जाते हैं। मुहक्किकीन ने तस्लीम किया कि ये हिकमत अमली किसी हद तक महदूद है, मगर इससे मामूली झगड़ों को बढ़कर संगीन होने से बचाया जा सकता है। वाज़े रहे कि इस तहकीक के नताइज जर्नल नेचर में शाया हो चुके हैं।